नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाने वाला हूं, जो स्टैंडर्ड 7th में आता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का बेसिक रहेगा। और साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है और ऐसे ही आप लोगों को रेगुलरली वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही आपको हैंड रिटन नोट्स में ड्राइव पे अवेलेबल करवाऊंगा, और जो हम लोग क्लास में वाइट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे वो भी आपको दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम के साथ। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हमको हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला रहता है, मतलब एक हम लोग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। वो ये है कि जो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी राइट एंगल बनता है, जैसे कि पहले ट्रायंगल में जो राइट एंगल है वो बी है, वो बी पे फॉर्म करता है। ये हमको ये एक स्क्वायर देख के मालूम चलता है। तो उसका जो अपोजिट लाइन है, यानी जो एसी है, वही इसका हाइपोटेनियस है। तो दी बिकॉज ऑफ दिस द हाइपोटेनियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू एसी। तो अगले ट्राइंगल की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें भी हमको सेम ही लॉजिक यूज़ करना है। तो जो एंगल है वो एल पे है, तो इसका अपोजिट लाइन एमएन, तो हमको वैसे ही यहाँ पे लिखना है एमएन। तो अगला जो है हमारा, अगला जो ट्रायंगल है उसमें भी हमको सेमी चीज़ यूज़ करनी है। तो यहाँ पे एंगल वाई पे फॉर्म किया है, इसका अपोजिट लाइन है एक्स जेड, तो इसका हाइपोटेनियस भी रहेगा एक्स जेड। तो ये है आंसर्स। तो आप ये अपने नोटबुक में, अपने टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम का नाम पाइथागोरस थ्योरम ही क्यों है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पाइथागोरस एक ग्रेट ग्रीक मैथमेटिशियन थे, जो 6th सेंचुरी में थे, और उनने ही ये थ्योरम फाइंड किया था। पहले भी ये थ्योरम बहुत सारे बुक में था। इंडिया के एक बुक थी जिसका नाम था शूल वासुत्रा, इसमें भी ये थ्योरम बताया गया है। लेकिन ये थ्योरम पाइथागोरस ने ही प्रूव किया था, इसीलिए ये थ्योरम का नाम उनके नाम के ऊपर रखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का सबसे पहले हमें फॉर्मूला जानना है। तो फॉर्मूला यह है उसका कि फॉर्मूला पाइथागोरस इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल। दो मिनट दोस्तों, मैं उसे अच्छे से थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, और इसका एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। इसका एंगल इस जगह पे फॉर्म हो रहा है। तो हम सपोज इनको मेजर्स दे देते हैं, इसको 14, इसको 15, इसको 12। तो जो अगर हम ये फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी 15 का जो स्क्वायर है वो 12 के स्क्वायर प्लस
14 का जो स्क्वायर है वो होगा 15 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमको ये बताता है। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से हम अब कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स मैं एक वाइट बोर्ड पे सॉल्व करूँगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, फिर मैं वाइट बोर्ड पे जाके ये सॉल्व करके आप लोगों को बताऊँगा। तो क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 48 का, इन द फिगर्स बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है जो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया है उसके ऊपर। ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि एम के इधर एक स्क्वायर फॉर्म किया गया है, जिसका मतलब होता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जो एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है वो एक हाइपोटेनियस है, जो हमको इस तरह से मालूम होता है कि क्योंकि एम जो है वो राइट एंगल है और उसका अपोजिट जो लाइन है वो एल एन है, तो वो हाइपोटेनियस है। तो हाइपो यानी एक्स हमको दिया नहीं है, यानी हाइपोटेनियस हमको दिया नहीं है। और जो बेस है वो 24 है और जो हाइट है वो 7 है। तो यही सब इन सब जो नंबर्स दिए हैं और फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए चलिए हम इस सम को सॉल्व करते हैं। तो मैं अभी वाइट बोर्ड ले लेता हूँ, वाइट बोर्ड खोल लेता हूँ। तो यहीं पे मैंने वाइट बोर्ड को खोल लिया है। तो हम सब देख लेते हैं, मैंने टेक्स्टबुक खोल के रखी है, आप भी खोल सकते हैं। और आप टेंशन मत लीजिए, ये वाइट बोर्ड पे जो भी लिख रहा हूँ वो सब मैं आपको ड्राइव पे प्रोवाइड करूँगा, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में वो दिया रहेगा, उसका लिंक दिया है तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो जो हमारा सम था ट्रायंगल था उसके हिसाब से और ये जो फॉर्मूला दिया है उन दोनों को हम एक मैच करते हैं। तो फिर हमको दिया गया था, हमको लेंथ ऑफ एल एन फाइंड करना है और लेंथ ऑफ एल एम और एम एन दिया गया था। तो जैसे हमने यहाँ पे हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर लिखा है, वैसे ही हम अभी वो सब भी लिख लेते हैं क्योंकि हमको मालूम है कौन सी लाइन हाइपोटेनियस है और कौन सा बेस है, कौन सा हाइट है। और मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप कौन से भी नोटबुक या एग्ज़ाम में सम सॉल्व कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप फॉर्मूला लिखें, इससे आप गलती भी कम करते हैं और आप सम भी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो हम अब अपना सम सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं। तो जो हाइपोटेनियस है वो हमको नहीं दिया है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे एल लेंथ, एल इज इक्वल्स टू लेंथ दोस्तों, लेंथ ऑफ एल एन, एल एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ, लेंथ एम एन, एम एन स्क्वायर, एम एन स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर। तो इधर मैंने कुछ भी डिफरेंट नहीं किया है, जस्ट मैंने जैसे हाइपोटेनियस दिया था, बेस दिया था, हाइट दिया था फॉर्मूला में, उसके जगह पे बस लाइन लिख दिया है कौन सी लाइन हाइपोटेनियस है, कौन सी लाइन बेस है और कौन सी लाइन हाइट है। तो अब हम जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसके हिसाब से उसके अंदर नंबर डालते हैं। तो जब जो नंबर है हाइपोटेनियस तो हमको दिया नहीं है, तो उसके जगह पे हम x लिखेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू
बेस अब हम लिखेंगे 24 स्क्वायर। अब हाइट लिखेंगे प्लस हाइट, तो हाइट है 7 7 स्क्वायर। तो हमको अब इसमें इन लोगों का स्क्वायर फाइंड करना है और इसे लिखना है, मतलब उसका स्क्वायर, जैसे x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, 24 का स्क्वायर फाइंड करना है और 7 का स्क्वायर फाइंड करना है और वो नीचे लिखना है इसके। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो अभी x दिया है तो x स्क्वायर ही लिखेंगे हम, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। तो x स्क्वायर अब इनको ऐड करना है, तो देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625। तो ये x स्क्वायर की वैल्यू हमको मिली है। तो अब अगला स्टेप ये है कि हमको जो स्क्वायर रूट है, जो 625 का स्क्वायर रूट है वो फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 625 इज इक्वल्स टू 25। तो ये स्क्वायर रूट हो गया 625 का। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 25। अब हमको फाइनल स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर लेंथ lm इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। देख लीजिए हमने कैसे इसको सॉल्व किया है। तो ऐसे ही हमको अगले भी सम सॉल्व करने हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करके। जैसे हमने स्क्वायर लिया था उसका, तो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम अगला सम देखते हैं क्या है। तो अगला सम हमारा ये है, अगले सम की ओर बढ़ते हैं। अगला सम वही क्वेश्चन है, उसमें सेकंड जो है उसमें जो हम इसमें हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स है QR, लाइन QR एक्स है। ये राइट एंगल का अपोजिट नहीं है, इसलिए हाइपोटेनियस नहीं है। ये रहेगा बेस और हाइपोटेनियस है 41 और हाइट है 9। तो चलिए इसे भी सेम तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। ये सब तो बेसिक थिंग्स है फ्रेंड्स, ये सब हम लिख लेंगे आराम से। तो पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखने के बाद हमको इसे सॉल्व करना है। तो पहले इसको लाइन में लाएंगे, एक लाइन जैसे मैंने बताया था कौन सी किसकी लाइन है वो लिखना है हमको। तो अभी हमको फाइंड करना है क्यू आर का, वो हाइपोटेनियस तो नहीं है। तो हाइपोटेनियस है 41, तो हम इधर लिखेंगे 41 स्क्वायर। तो 41 स्क्वायर लिख लेते हैं ब्रैकेट
41 स्क्वायर। सॉरी दोस्तों, इसके पहले भी हमको एक एक स्टेप करना है जो हमको लाइन जिसमें लिखना रहता है। तो जो हाइपोटेनियस है उसका लाइन है लेंथ ऑफ पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ लेंथ क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू पी प्लस लेंथ क्यू पी स्क्वायर। तो ये हमने लाइन कौन सी है वो लिख लिया। अब इसमें हम लोग नंबर डालेंगे। तो 41 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला जो है वो। फिर इसके बाद हमको सेम मेथड से इसको भी फाइंड करना है। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक क्या है, हमको पहले 9 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 9 का स्क्वायर पहले 41 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो 41 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा नंबर है, तो उसके लिए हमको रफ वर्क यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, रफ वर्क यूज़ करने के लिए आप बिल्कुल भी शर्माएं ना, क्योंकि रफ वर्क से आपकी गलतियां कम होती है एग्ज़ाम में, तो उससे एग्ज़ामिनर को भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप रफ वर्क ज़रूर कर सकते हैं। तो मैं 41 × 41 करूँगा। तो इसका हमको स्क्वायर मिल गया है। और अब इसका जो स्क्वायर है वो हम लिख लेते हैं। तो इसका स्क्वायर था 1681 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 81। तो ये हो गया, हमने इसको ऐसे कर लिया। तो फिर अब इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे। तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम रीअरेंज करेंगे। हमको और कुछ नहीं करना है, बस इसको सिंपली रीअरेंज करना है। तो इसमें x square प्लस 81 इज इक्वल्स टू 1681। तो जब हमने ये स्टेप कर लिया, इसके बाद हमको एक्स, अब ये आपको तो मालूम ही होगा, अगर एक्स इधर 81 प्लस है तो वो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1681
81 माइनस 81। तो ये लिखने के बाद हमको सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है, उसके बाद हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1600 1600। अब इसका जो वापस से हमको स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1600 इज इक्वल्स टू, तो स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट इसका होता है 40। तो इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया है और यही इसका आंसर है। देयरफॉर तो अभी देयरफॉर आप वो तीन डॉट दे सकते हैं, तो मैं देयरफॉर लिख देता हूँ। देयरफॉर लेंथ ऑफ QR इज इक्वल्स टू, QR की लेंथ हमने जो फाइंड किया है वो 40 सेंटीमीटर। तो ये हमने सेकेंड सम भी सॉल्व कर लिया है। ये थोड़ा बड़ा था क्योंकि इसमें हमको उसको रिवर्स भी करना था। तो अब इसके बाद हम अगले सम की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सम ये है, इसमें भी हमको सेम ही चीज़ करनी है। इसमें अलग लाइन हमको नहीं दिया गया, इसमें भी बेस नहीं दिया गया है। तो हम अब वापस से सेम चीज़ करेंगे। ये थर्ड वन है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम वापस से टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो इसमें वापस से हम सॉल्यूशन लिखने के बाद फॉर्मूला डाल देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो लाइंस दिए गए हैं हमको, वो हम लिख देंगे लेंथ ऑफ ई एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ई डी स्क्वायर प्लस लेंथ डी एफ स्क्वायर। तो ये हमने सारे लाइंस लिख दिए, ठीक है। फिर इसके बाद हमको इसके अंदर नंबर्स डालने हैं जो भी दिया गया है हमको। तो हमको हाइपोटेन्यूस का जो दिया है नंबर वो 17 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो हमने यहाँ तक लिख दिया। फिर इसके बाद हम इनके स्क्वायर्स फाइंड करेंगे। तो 17 का स्क्वायर है 289, विच इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर है 64, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमने कर लिया। फिर वापस से इसको हम इसको रीअरेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल्स टू 289 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289 माइनस 64 एक्स इज इक्वल्स टू
एक्स इज इक्वल्स टू 225। तो वापस से हमको स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल्स टू 15। देयरफोर लेंथ ED इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमने ये सम भी सॉल्व कर लिया है दोस्तों। तो आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। अभी हमारा आधा लेसन हो चुका है, तो जो आधा लेसन बाकी है वो हम अब अगले क्लास में करेंगे। तो अगला क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। और अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स प्लस हम जो वाइट बोर्ड पे कर रहे हैं वो दोनों चाहिए तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें। वहाँ पे मैंने अपना गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द दूंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय। नमस्कार।